Hello students, we are going to start the new chapter, that is light, sound and force or energy. Okay, so you will be studying this chapter in this video. Okay, but before that I know that you are very curious to know how do we get light, hai na, how we can hear the sound or how the force works. फोर्स कैसा होता है, एनर्जी कैसी होती है. ठीक है, अगर किसी सामान को पुश करना है, पुल करना है, देन हाउ वी यूज़ दैट एनर्जी, है ना, हाउ द फोर्स वर्क्स. ओके, सो यू विल बी नोइंग ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग द लाइट एंड इन द नेक्स्ट वीडियोज यू विल बी नोइंग अबाउट द साउंड एंड फोर्स. ठीक है, तो इस वीडियो में हम लाइट के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे. लाइट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन नॉट सी विदाउट इट, है ना. आप इसके भी अगर आपके पास लाइट नहीं है तो आप देख नहीं पाते हैं, आप कोई भी इंपॉर्टेंट वर्क नहीं कर पाएंगे. अगर कुछ देर के लिए लाइट चली जाती है तो क्या होता है, आप पैनिक होने लगते हैं. एंड वी आर हैविंग इन्वर्टर्स इन आवर हाउस, ठीक है, जनरेटर्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प आउट करती है जब लाइट चली जाती है. और प्रीवियस टाइम्स में, अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, जब लाइट चली जाती थी और इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी तो बहुत परेशान होना पड़ता था. बट व्हाट डिड साइंस डू, हमारे लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई है. तो आज हम लाइट के बारे में कम्प्लीटली थॉरली डिस्कस करेंगे. ओके, एंड यू हैव टू लिसन केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट, द सन इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. ओके, सन जो है वो एक नेचुरल सोर्स होता है लाइट का. तो मेनली हमारे पास जो नेचुरल सोर्स होता है वो सन होता है फॉर गिविंग अस लाइट. प्लांट्स के नॉट मेक द फूड विदाउट सनलाइट. यू नो दैट इफ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड दे नीड द सनलाइट, है ना, उसके बिना वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं. क्लियर, वी कैन सी थिंग्स ओनली व्हेन देयर इज लाइट. हम थिंग्स को तभी देख पाते हैं जब लाइट होती है. इफ़ लाइट इज़ नॉट देयर, यू आर इन द डार्क, अगर आप अंधेरे कमरे में या अंधेरी जगह पर हैं तो आप कुछ भी देखने में एबल नहीं होते हैं. ठीक है, सो लाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू सी द थिंग्स टू अंडरस्टैंड देम क्लियरली. ठीक है, नाउ देयर आर सम सोर्सेज दैट गिव अस लाइट. सन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, नेचुरल सोर्स ऑफ गिविंग द लाइट. नाउ नेक्स्ट कैंडल है, मैन मेड बॉनफायर है. ठीक है, उसके बाद बल्ब है. तो ये भी चीज़ें हमें क्या देती है, लाइट देती है. So all these things are the sources of light. Okay, now we will be studying what is shadow. Okay, shadow kya hoti hai, when solid things block the path of light their shadow is formed. Theek hai, jab koi solid cheez light ka path block kar deti hai to unki shadow ban jati hai. Matlab light hai, theek hai, koi solid cheez hai, theek hai, to usne light ko ब्लॉक, मतलब लाइट का पाथ ब्लॉक कर दिया तो उनकी शेडो बनने लग जाएगी. शेडो क्या होती है, परछाई. ठीक है, तो जब भी लाइट का पाथ ब्लॉक होगा, ठीक है, तो क्या फॉर्म होगी, शेडो फॉर्म होगी. फ्यू ट्रांसपेरेंट थिंग्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम. और कुछ ऐसी ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती है जो लाइट को पास होने देती है. फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लास, अगर कहीं पर ग्लास लगा हुआ है, आप अपने घर में भी देखेंगे कि कहीं कोई ग्लास विंडो है तो देखना, जब आप लाइट ऑन करेंगे तो उसमें से लाइट पास हो सकती है ना. जैसे होता है ना कि कोई विंडो है और वो ट्रांसपेरेंट है तो वहाँ पर आप लाइट को इजीली पास होता हुआ देख सकते हो. ठीक है, तो सॉलिड थिंग्स वैसे तो पाथ ब्लॉक करती है, लेकिन कुछ ट्रांसपेरेंट चीज़ें भी होती है जो लाइट को पास होने देती है. ठीक है, अदरवाइज शेडो किसकी फॉर्म होती है, द सॉलिड थिंग्स. ठीक है, जो ट्रांस. नेक्स्ट, हाउ डू वी सी थिंग्स. अब ये है कि हम चीज़ें कैसे देखते हैं, हम कोई भी ऑब्जेक्ट्स चीज़ें कैसे देखेंगे. वी नीड लाइट टू सी थिंग्स, हमें लाइट चाहिए कोई भी चीज़ देखने के लिए. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, इट बाउंसेज ऑफ. ठीक है, तो वो वापस से वहाँ से टकराकर कहाँ पड़ती है, हमारी आइज पर, जब हमें उसको देखना होता है. ठीक है, व्हेन दिस बाउंस्ड लाइट फॉल्स ऑन आवर आइज,
वी सी द थिंग्स। ठीक है, सबसे पहले हमें लाइट चाहिए कुछ भी देखने के लिए। अब हम कैसे देखेंगे एंड द प्रोसेस इज लाइक, जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी तो वो लाइट वहाँ से बाउंस होकर वापस से हमारी आँखों पर आएगी। फिर जब हमारी आँखों पर वो लाइट आती है, वो लाइट गिरती है हमारी आँखों पर, तो हम किसी भी चीज़ को देखने के लिए एबल हो पाते हैं। ठीक है, सो हाउ डू वी सी थिंग्स, हम चीज़ों को तब देख पाते हैं जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर आई और वो ऑब्जेक्ट से वापस से टकराकर हमारी आँखों पर आई। ठीक है, एंड ये जो वापस आना है, बाउंस ऑफ होना है, दिस इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, हीट और साउंड फ्रॉम अ सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है? द सेंडिंग बैक मतलब लाइट, साउंड या हीट का किसी चीज़ से टकराकर वापस आना। ठीक है, वो क्या, उसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, हीट और साउंड फ्रॉम अ सरफेस। ठीक है, एक सरफेस से वापस आना, इन तीनों चीज़ों का, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्लियर है? अब मैं आपको दो एक्सपेरिमेंट बताऊंगी दैट यू विल बी डूइंग एट योर होम एंड दिस इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ सो ईजी, सो यू हैव टू जस्ट लिसन केयरफुली, ओके? जैसे हम सबसे पहले देखते हैं कि शेडो कैसे बनती है। जब भी आप एक टॉर्च लेंगे हाथ में, तो आप किसी डार्क रूम में जा रहे हैं, ठीक है, डार्क रूम में जाएंगे और वो टॉर्च लेकर आप अपने, अब टॉर्च के जैसे वॉल है और टॉर्च है, उसके बीच में आप अपना हाथ रखेंगे और जब आप अपना हाथ रखेंगे तो देखेंगे कि वॉल पर आपके ही हैंड की शेडो आ रही है और वो आप ही का हैंड है और वही शेडो होगी जैसा आपका हैंड है। ठीक है, आपकी फिंगर्स दिखाई देंगी और आपका ये जो हैंड है पूरा ये दिखाई देगा। अब ये एक्सपेरिमेंट आप करेंगे, बहुत सिंपल है, इसके लिए आपको सिर्फ एक टॉर्च चाहिए। ठीक है, और हैंड आप अपना रखेंगे तो देखेंगे कि आपकी शेडो वॉल पर आ रही है। ठीक है, क्लियर? अब ये आपको करना है। और एक चीज़ और, जैसे आपको ये चेक करना है कि लाइट हमें कितने डिस्टेंस तक, मतलब हमें अगर जैसे लाइट देखनी है कि कितने डिस्टेंस तक वो जा सकती है, जैसे सन है, सन कितने डिस्टेंस पर है फिर भी हमें वो रोशनी देता है। ठीक है, क्योंकि उसकी पूरी रोशनी फैली हुई है, सन इज़ वेरी बिग, है ना? तो आपको क्या करना है, आप टॉर्च लेंगे, एक डार्क रूम में जाएंगे और वहाँ टॉर्च करेंगे आप वॉल पर। तो जब आप वॉल पर टॉर्च करेंगे और पीछे की तरफ ले जाएंगे, सपोज़ दिस इज़ द वॉल, दिस इज़ टॉर्च इन माई हैंड, तो अगर मैं इसको पीछे की तरफ ले जा रही हूँ तो क्या होगा, इसकी जो रोशनी है वो और बड़ी होती जाएगी। टॉर्च की जैसे लिमिटेड रोशनी थी, अब पीछे ले जा रही हूँ तो और लार्ज होती जाएगी और डल भी हो जाएगी। जैसे कि कोई चीज़ हम पास से रोशनी करेंगे तो वो हमें ज़्यादा क्लियर होगी, और अगर कोई चीज़ हम दूर ले जा रहे हैं तो उसकी रोशनी थोड़ी थोड़ी कम होते 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 डल होती जाएगी। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ एक डार्क रूम चाहिए, ठीक है, और एक टॉर्च चाहिए जिससे आप एक्सपेरिमेंट कर सके। ठीक है, ओके, यू विल ट्राई एंड यू विल लर्न इट वेरी वेल। नाउ बाय बाय, हैव अ नाइस डे।